गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मॉर्निंग हो गई है यहाँ पर और मैं आप लोगों को देखिए, मैं किचन की आके विंडो खोली है तो देखिए बाहर कैसे धूप आ रही है। ये देखिए, ये हमारी किचन की विंडो है तो देखिए कैसे धूप आती है किचन के अंदर। ये पूरी सनलाइट ये सब आती है तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर जब धूप आती है अंदर किचन में। और चीकू अभी उठ के आ गया है। चीकू चीकू, ये रहा चीकू। हे चीकू, चलिए गाइस हम लोग बाद में मिलते हैं। हेलो गाइस, तो अभी क्या हुआ यहाँ पर, मैं आप लोगों से बात कर रही थी और अचानक से चीकू ऊपर से आया तो उसके नोज़ ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो फटाफट मैंने बंद किया फोन। अभी ठीक है? आर यू बेटर? तो इसके ना, जबकि मैंने ये सुना है कि गर्मियों में नोज ब्लीड होती है बच्चों के, और ये मतलब कॉमन सी बात है, कई बच्चों के हो जाती है अक्सर, लेकिन इसके साथ में मुझे थोड़ा ये चीज़ प्रॉब्लम होती है कि इसको विंटर्स में भी होती है। अभी ठंड चल रही है बट एक बार हमने डॉक्टर को भी इसका चेकअप कराया था, एक दो डॉक्टर से, दो तीन डॉक्टर से इन्फेक्ट कराया था, तो सब ने यही कहा था कि इसके ड्राइनेस हो जाती है, इस वजह से हो जाती है। लेकिन वही है ना, देख कर तो एकदम घबराहट हो जाती है। ऐसे देखा मैंने, ब्लड ऐसे इधर उधर टपका हुआ था तो अजीब तो हो ही जाता है, अचानक से देख के घबराहट होती है। तो बस डॉक्टर ने ये बताया था कि जब भी नोज ब्लीड हो तो उसमें ये करना है कि यहाँ पर आई थिंक 2 मिनट के लिए बस इसको ऐसे कस के बस प्रेस करके रखना है, यहाँ पे कस के जो ये बोन होती है ना, तो यहाँ पर इसको कस के प्रेस करके रखना है। उससे क्या होता है कि जो ब्लीडिंग, जो ब्लड होता है वो यहाँ पे क्लॉट हो जाता है, तो उससे ब्लीडिंग रुक जाती है। तो हम लोग वही करते हैं और थैंक गॉड उससे काफ़ी बेटर है, क्योंकि पहले क्या होता था इसके साथ में, हाँ कर लो, पहले उसके साथ में यही होता था कि इसकी जो ब्लीडिंग थी वो रुकती ही नहीं थी, होती जाती थी, होती, और इतनी होती थी कि कपड़े वगैरह सब ख़राब हो जाते थे, और हर बार हम डॉक्टर के यहाँ लेके जाते थे, मतलब घबराहट हो जाती थी। तो लेकिन अब जब से डॉक्टर ने ये चीज़ बताई है तब से हम वही करने लगे। एक बार रात के 2-3 बजे की बात है, रात के 2-3 बजे इसके यही होने लगा, फिर हम लोग इतना डर गए, इमरजेंसी में इसको भाग के लेकर गए और वहाँ पहुँचे तो पूरा उसके कपड़ों पे था, कंफर्टर में, मेरे कपड़ों पे, क्योंकि मैंने इसको गोदी उठाया हुआ था। और तो फिर जब वहाँ पहुँचे उन्होंने चेक किया, वो बिल्कुल नॉर्मल, हम लोग डर रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल से थे। तो तब उन्होंने बताया कि ऐसा हो जाता है, इतना कोई वैसी बड़ी बात नहीं है। तो जब से उसके, जब से ये दबाने का बताया तो हम जैसी होती है इसके में फटाफट ऐसे दबाते हैं यहाँ पे तो क्लॉट हो जाता है। तो बस गाइस यही है, और बाकी अभी मैंने किचन का कोई काम नहीं किया, अभी चाय वाय बनानी है, जाती हूँ देखती हूँ चाय वाय बनाती हूँ। तो सुबह तो यही सब होने लगा। अच्छा ठीक है, तो इसका यही है कि वैसलीन जैसे ड्राई हो जाती है, ओपन कर लो चीकू, ड्राई हो जाती है नोज़, तो उसमें वैसलीन अंदर लगा दो किसी चीज़ से, तो ये सब हम लोग करते रहते हैं, इससे ड्राइनेस चली जाती है। बस मतलब ये बैठा हुआ है और मैं भी बस अब जाती हूँ, चाय बनाती हूँ जाके, और फिर आगे के काम शुरू होंगे। इसकी स्मूदी बनानी है तो बस इसकी स्मूदी फिर बनाऊँगी, फिर खाने में देखती हूँ कि खाने में क्या बनना है, क्या करना है। चलिए गाइस बाद में मिलते हैं फिर। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? एक्चुअली अभी हम लोग जा रहे हैं, एक फ्रेंड की पार्टी है, उसका बेबी शावर है, तो एक होटल में पार्टी है, तो बस हम लोग वहीं जाने के लिए रेडी हुए हैं और बस रेडी हो गए ऑलमोस्ट, अभी निकल जाएंगे, 5-10 मिनट्स में निकल जाएंगे। और तो बस गाइस यही है, चाय बना के मैंने रख दी थी लेकिन अभी चाय पी नहीं, रेडी होने का था, जल्दी जल्दी रेडी हो गए। और चीकू को आप देखना चाहेंगे कि चीकू कैसे रेडी हुआ है, चीकू ने क्या पहना है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये रहा चीकू,
अप। ये तो चीकू ने शर्ट पहनी है, उसके ऊपर ब्लेजर पहना है, नीचे जीन्स पहनी है। लुकिंग स्मार्ट, लुकिंग हैंडसम चीकू। विश यू अ मैरी क्रिसमस, और मैंने भी विश कोट यू अ पहना मैरी हुआ है, क्रिसमस, ये मेरा विश कोट है। यू अ मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। और नीचे गुड टाइम्स जीन्स, वी गेट टू तो न्यू बस हाँ, फॉरएवर। गले में मैंने ये विश पहना, यू अ मुझे मैरी अच्छा लगता है ये। क्रिसमस एंड और इसके मैचिंग का एक्चुअली मुझे हैप्पी कान का कोई न्यू समझ में नहीं आ रहा था। एक और भी हैं, वो थोड़े ज़्यादा हैवी हैं, मतलब बड़े भी हैं और हैवी भी हैं, तो मुझे वो विश ज़्यादा सही नहीं हैप्पी लगे। तो न्यू हल्के से ईयर, मुझे ये वाले मिले, तो मैंने विश इसलिए ये वाले हैप्पी पहन लिए। और क्लोथिंग, बाकी गले का तो विश ये हैप्पी मुझे अच्छा लगता है। फॉरएवर। तो बस हम दोनों रेडी हो गए हैं, अभी राज रेडी हो रहे हैं, वी तो बस विश राज यू रेडी अ हो जाए, उसके मैरी बाद हम लोग निकल जाएंगे। क्रिसमस, चाय, हाँ, जब तक विश यू मैं अ एक काम मैरी करती हूँ कि मैं चाय गर्म कर लेती हूँ, जितनी थोड़ी बहुत पी क्रिसमस सकती हूँ पी लूँगी, क्योंकि एंड निकलते निकलते ना हैप्पी एकदम से न्यू होता ईयर। नहीं है फिर चाय पीने का। तो हम पहुँचना वहाँ पे वैसे 6:30 पे है, लेकिन साढ़े वही, हाँ, ऑलमोस्ट हमें 6:30 पौने 7 भी हो सकता है। और अभी एक्चुअली हमें उन लोगों का गिफ्ट भी उठाना है जो हमने ऑर्डर कर दिया था। तो हम लोग ह्यूमिडिफायर ऑर्डर किया है, यहाँ पे बच्चों के लिए ज़रूरत पड़ती है ह्यूमिडिफायर की काफ़ी, तो इस वजह से हमने सोचा कि ह्यूमिडिफायर ही दे देते हैं। तो वो ऑर्डर हो गया है, अब वहाँ से हमें बस पिकअप करना है। तो गाड़ी में यही है कि गाड़ी में हम लोग बैठे रहेंगे, राह जाके ले आएंगे, पिकअप कर लेंगे, तो बस काम ख़त्म हो जाएगा फिर। और बाकी आप लोगों से एक बात मुझे और शेयर करनी है कि एक्चुअली हमारे जाने का प्लान फिर से बन गया है, हम लोग फिर से जा रहे हैं वेकेशन पे। तो फिर से हमारा हो गया, अभी कैंसिल हो गया था, बट अभी फिर से प्लान हो गया है। तो अब यहाँ आज का निपट जाए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ और भी चीज़ें शेयर करूँगी और बातें शेयर करूँगी कि क्या क्या है, कहाँ कहाँ जाना है। तो बस गाइस, अभी और कुछ नहीं हुआ है, बस मैं चाय गरम करूँ क्या? तो बस मैं अपनी चाय पीने जा रही हूँ, बाकी अभी राज की गर्म कर देती हूँ। तो राज को भी रेडी होना है। वो जब से वी विश यू मैरी क्रिसमस ही गाता रहता है उसको, वो तो कल सेंटा बना घूम रहा था, चोर सेंटा जो नहीं होते सेंट, ये सेंटा ऐसा है जो हर चीज लेता है, देता नहीं है। और आज जैसे मैंने आप लोगों के साथ कल शेयर किया था ना कि इसको इतने सारे गिफ्ट्स मिले थे स्कूल में, इसने उसमें से एक भी गिफ्ट नहीं खोला है, अभी भी वैसे के वैसे ही सारे बंद रखे हुए हैं। और हम अभी फोर्स नहीं करते हैं ज़्यादा, क्योंकि उसका जब मन होता है वो तभी खोलता है, तो इसीलिए हम ठीक है, अच्छी बात है, बंद है, बंद रहेंगे, आराम से धीरे धीरे करके खोलेगा। क्योंकि फिर क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, फिर सारा सब कुछ खोल डालते हैं एक साथ, उसके बाद फिर और चीज़ें मांगना शुरू करते हैं। तो उसके साथ में एटलीस्ट ये नहीं है, ये टॉय होता है या कोई खिलौना होता है, तो ये आराम से धीरे धीरे खोलता है टाइम लेकर। तो बस गाइज यही है, और बस बैठे हुए हैं हम लोग। तो चलिए गाइज, फिर मैं चाय पीने जा रही हूँ। और घर आप देख सकते हैं, घर के भी बहुत बुरी हालत है, वहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं, जो जैकेट्स वगैरह जो हम लेकर आए थे उस दिन, शॉपिंग करके लाए थे कि ले जाने हैं, तो वो सारे वहाँ पर पड़े हुए हैं। डाइनिंग टेबल का हाल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये डाइनिंग टेबल का हाल हो रहा है, जबकि मैं दिन भर साफ करती हूँ डाइनिंग टेबल, उसके बाद भी डाइनिंग टेबल का ये हाल है। और बाकी काउच वगैरह सब ऐसे ही फैला है, जबकि मैं दिन भर ये साफ करती हूँ, उसके बाद ये हाल होता है, फिर भी तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो ओके गाइस, फिर मैं चाय पी लेती हूँ, फिर बाकी बातें हम लोग बाद में करते हैं, बाय। हेलो गाइस, हम लोग बस अभी आए हैं जहाँ से गिफ्ट उठाना था, तो लाइट नहीं हो रही है इसलिए सही से आ नहीं रहा। चीकू लाइट ऑन कर दो। थैंक यू चीकू। हाँ तो गाइस, हम लोग अभी कार में वेट कर रहे हैं, राज गए हैं, एक सेकेंड,
तो राज गए हैं अभी जो गिफ्ट हमें उठाना था वो लेने के लिए गए हैं। देखिए बाहर ये यहाँ से टारगेट है, टारगेट से उठाना था तो उनके लिए हमने ह्यूमिडिफायर वही लिया है तो वो लेने गए हैं और बस लेकर आते हैं उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं। तो आज काफ़ी भीड़ हो रही है क्योंकि सैटरडे है। यस सैटरडे है तो काफ़ी भीड़ है। एक्चुअली आज हमने सोचा था कुछ कुछ चीज़ें जैसे हमें अब जाना ही है तो कुछ कुछ चीज़ें रह गई थी हमें लेने के लिए, आज हमने सोचा था निकलने के लिए बट हम निकल नहीं पाए तो अब टाइम बचा नहीं है। एक्चुअली हम लोग निकल रहे हैं 2 दिन के बाद जहाँ हमें जाना है घूमने के लिए, तो 2 दिन बाद निकल रहे हैं तो 2 दिन मतलब टाइम बिल्कुल नहीं है क्योंकि कल भी कुछ काम है और थोड़ा बहुत सामान भी लेना है कल। उसके बाद मंडे को स्कूल है और चीकू का एक अपॉइंटमेंट है, आई अपॉइंटमेंट वो है, तो उस दिन कोई भी काम नहीं हो पाएगा क्योंकि पैकिंग वगैरह भी अभी बहुत होनी है, पैकिंग करनी है तो पैकिंग में पूरा टाइम निकल जाएगा अभी। तो बस यही था कि अब कल हम यही कर सकते हैं कि कल जो भी सामान बचा है। नो दैट्स नॉट हनीश्स कार। तो जो सामान रह गया है वो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि कल आ जाए तो ज़्यादा बेटर है और परसों तक कि एक्चुअली कल तक जितना हो सके उतनी पैकिंग कर लें, बाकी जो थोड़ा बहुत रह गया है वो एंड मोमेंट पे हो जाएगा। वो टेस्ला कार क्योंकि फिर हमें 2 दिन बाद अर्ली मॉर्निंग में निकलना है। तो गाइज आप मेरे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा और मैं आप लोगों को सारी अपडेट दूंगी यहाँ की सारी चीज़ें, जहाँ जहाँ हम जाएंगे यहाँ पे कैसा क्या होता है वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए गाइज फिलहाल तो हम लोग अभी बाद में बात करते हैं। ओके बाय बाय। Everywhere, quack, quack. Everywhere, Baba.
गाइस, हम लोग बस अभी थोड़ी देर पहले आए हैं घर पर और बहुत थक गए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा वहाँ पर, क्योंकि मतलब वही है ना कि अच्छे फ्रेंड हैं हमारे वो काफ़ी, तो अच्छे फ्रेंड्स के यहाँ मतलब कुछ ऐसा होता है, जाओ तो अच्छा लगता ही एक। और तो एक्चुअली हम लोग थोड़ा लेट ही निकले, मतलब उनका सारा कुछ रैप अप करा के फिर आए हैं हम लोग। एक दो हमारे फ्रेंड्स और भी हैं जो वो भी रुक के सब, हमने सब क्लीन अप कराया वहाँ पर, रैप अप कराया, खाना वगैरह बहुत बच गया था क्योंकि, तो खाना वगैरह भी सब पैक करके फिर वापस आए हैं। तो बस आके थक गए हैं, चीकू भी बहुत थक गया है, चीकू बेड पे लेटा हुआ है अभी, और बस मैंने अभी चेंज किया है और अब हम थोड़ी देर में सो जाएंगे। और कल हमें एक्चुअली जाना है थोड़ा शॉपिंग पे, थोड़ा बहुत सामान रह गया था तो वो लेने जाना है, तो वो भी कल हम जा रहे हैं अपने एक फ्रेंड के साथ जो आज भी मिले थे वो लोग वहाँ पर, तो उन्हीं के साथ में ही कल जा रहे हैं। तो उन लोगों को भी कुछ शॉपिंग करनी थी तो हमने सोचा कि चलो हम भी साथ में चले चलते हैं, तो उन लोगों ने कहा साथ में ही चलो, तो कल वही हमारा प्लान है। लंच करने के बाद घर पर हम लोग पहले अपने अपने घर पर लंच करके उसके बाद हम लोग जाएंगे फिर। तो बस अभी तो बहुत ज़्यादा थकान है और चीकू चिड़चिड़ कर रहा है क्योंकि वही है ना, जब बच्चे थक जाते हैं तो चिड़चिड़ करते हैं, तो उसका भी वही है कि थक तो गया है वो, क्योंकि उसने वहाँ पे डांस किया है, गाना गाया है, सब कुछ किया है, तो उसको थकान होती है, बट वो उसको बता नहीं पाता है कि कैसे क्या करना है, कैसे शो करना है, तो उसको यही है कि सोना भी नहीं है और चिड़चिड़ भी करनी है, तो इस वजह से वो इरीटेट हो रहा है। तो अब बस मैं फटाफट थोड़ी सी, मैं उसको एक्चुअली पहले ही सुला दूँगी, उसके बाद मैं एडिटिंग वगैरह जो भी करूँगी करूँगी, तो उसको मैं पहले सुला देती हूँ। तो चलिए गाइस, फिर हम लोग कल बात करते हैं, कल मिलते हैं, और बाय, गुड नाइट, लव यू।